What's going on, guys? कैसे हैं आप सभी लोग? Welcome back to another video. And guys, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, अब उन लोग आ चुके हैं आज दोबारा से Roblox के अंदर. And Roblox में ये मशीन क्या कर रही है मेरे दोस्त? नोट भाई, देखो इस मशीन में आज आप उन लोग ग्लाइड करने वाले हैं एंटर करके. वो अच्छा, ये कैनन. और अब भाई साहब कहाँ ले आए? अरे ये तो आप लोग ने आई थिंक पहले किया है गाइज. वूहू बेबी, क्या उड़े है भाई. अरे इसको एक सेकंड, स्टीयर कैसे करना है? ओ, माउस से स्टीयर करते हैं. ओके गाइज, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यार. इसको मैं माउस से स्टीयर कर रहा हूँ. मेरे को उतना देर से लग रहा था कि भाई इसको WASD से स्टीयर करना है, बट नहीं, ये एक्चुअली में थोड़ा मुश्किल है गाइज. इसमें आपको पूरा एयरप्लेन वाली फील आने वाली है. एंड बूस्टर, वूहू, क्या उड़ रहे हैं गाइज अपन लोग. देख रहे हो, एक लाइक तो बनता है दोस्तों इस ग्लाइडिंग के लिए, इस बेशुमार भयंकर लेवल की ग्लाइडिंग के लिए भाई. अबे मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ, ग्राइंडिंग नहीं, ग्लाइडिंग बोलना है भाई. ऑलराइट. एंड थोड़ा सा और, ठीक है, नीचे की तरफ. बूस्टर, ओ माय गुडनेस, क्या उड़े हैं भाई हम लोग, क्या ही उड़े हैं गाइज. और यहाँ पर एक और पैसे की बोड़ी मिल चुकी है मेरे को, और इसको ऊपर ले. अरे ऊपर ले भाई, नीचे चला गया गलती से गाइज. चलो कोई बात नहीं, अच्छे खासे पैसे कमाए हम लोगों ने गाइज. यहाँ पर देख सकते हो हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं. तो फ्लाइट रिजल्ट्स क्या है? 287 ठीक है, ड्यूरेशन 51 सेकंड्स के लिए मैं हवा में था. व्हाट, ओके इंटरेस्टिंग. तो यहाँ पर अगले वाले ग्लाइडर्स अनलॉक करने के ऑप्शन आ रहे हैं. हम लोग कैनन को अपग्रेड कर सकते हैं फॉर टोटल $7,000. बूस्ट अपग्रेड कर सकते फॉर टोटल $10,000. तो तीनों ही चीजें मेरे पास नहीं है, कैन यू बिलीव इट. तो तीनों ही चीजें के लिए हम लोग यहाँ पर जाना पड़ेगा कैनन के अंदर, अपने आप को शूट करना पड़ेगा. एंड ग्लाइड कंट्रोल, वूहू, ओह माय गुडनेस, वी आर एक्चुअली जूमिंग राइट नाउ. अरे भाई मैं टकरा गया, मेरे को बूस्ट लेना था गाइस, और ज्यादा रिस्की खेल गया मैं. अगर बूस्ट को हम लोग कंटिन्यूस मोशन में लेते रहे ना गाइज, तो बहुत ज्यादा आगे जा पाएंगे. ऑलराइट, तो मेरा गोल वही होने वाला है गाइज, कि मैं जितना ज्यादा बूस्ट ले पाऊ उतना ज्यादा उठाएंगे हम लोग, ठीक है. एंड देन वी गोना मेक इट टिल द एंड. रुक जाओ, थोड़ा सा टर्न मारना पड़ेगा इधर हम लोगों को. वेयर इज द बूस्टर ब्रो, वेयर इज द बूस्टर. हुइया, अरे भाई बूस्टर कहाँ है? ये स्पीड ही कम पड़ जा रही है जब मैं बूस्टर लेने जा रहा हूँ. वो मिला, एक बूस्टर मिला, एक मिला. योइंग भाई, तगड़ा स्पीड दे दिया, मतलब उतना तगड़ा भी नहीं दिया, लेकिन ठीक है, स्टिल वी कैन मेक डू ऑफ इट. अरे नहीं यार, ट्री से टकरा गया गाइज. ऑट भाई मेरे को देखो, कितनी देर से हवा में हूं. अच्छी बात है ना, एंजॉय करो भाई, मैं तो 30 सेकंड्स ही टिक पाया. ओके दोबारा कोशिश करते हैं गाइज, इस बार बूस्टर फूस्टर के फिराक में नहीं रहेंगे, बहुत दिक्कत हो जाती है ब्रो. और यहाँ पर पुल अप, पुल अप, पुल अप, पुल अप, पुल अप, पुल अप, पुल अप. ओके ज्यादा पुल अप भी नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी. और यहाँ पर एक और बार तेजी के साथ आते हुए बूस्टर पिकअप नहीं कर पाया मैं. कोई बात नहीं, बाद में पिकअप कर लेंगे भाई, बिना बूस्टर के तो दिक्कत हो सकती है गाइज. ले ले, ज्यादा ऊपर नहीं गाइज, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी. शेट, ये ग्लाइडर फिर से नीचे जा रहा है, मेरे को बचाना पड़ेगा इसको गाइज. ओ भाई ये टर्न्स बहुत डेंजरस है दोस्तों, आपको लग रहा होगा ना भाई कि ये टर्न्स बहुत इजी है, नहीं है भाई, बता रहा हूँ मैं आपको. अब तो मैं नीचे गिरने ही वाला हूँ, देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट. या कितना देर टिक पाया मैं? 53 सेकंड्स, आई डोंट नो गाइज, वक्त ही बताएगा. और स्टैट्स चेक आउट करते हैं. 35 सेकंड्स भाई, ये बूस्टर स्कैम है. इसके चक्कर में जितना कुछ मैंने खोया है ना गाइज, इतना तो पहले भी नहीं खोया था भाई. इससे अच्छा तो बिना बूस्टर के उड़ू मैं. क्या मस्त उड़ रहे हैं भाई, देखना जरा. यूइंग, ओके अब थोड़ा नीचे चलते हैं. बूस्टर लेना है. अरे भाई ज्यादा नीचे चल गया बूस्टर, इन द सेंस मेरे को ये स्पीड बूस्ट लेना पड़ेगा गाइज. कुछ रोबक्स वोबक्स से फायदा हो सकता है क्या? लेट मी सी. ओके तो इनटू टू मनी है, इनटू टू जेम्स है, करेंसी है, यहाँ पे काफी सारी चीजें दिख रही है मेरे को. इन सब चीजों का काम नहीं है गाइज. अबे यार बूस्टर भी अपग्रेड नहीं कर सकता. और ये क्या है? परचेज ऑल ग्लाइडर्स कैनन्स एंड बूस्ट टू अनलॉक द नेक्स्ट वर्ल्ड फॉर $50,000. अच्छा $50,000 में अपन लोग नेक्स्ट वर्ल्ड अनलॉक कर लेंगे. बूस्ट भी हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है गाइज, और उसको भी यूज करने के लिए हम लोगों को बार बार नीचे अपने आप को ग्राइंड करना पड़ेगा. यार पैसे दे दो भाई, पैसे तो दे दो. कैसे कर रहे हो यार? अच्छा आदमी हूँ मैं. ओ भाई आराम से दोस्तों. अरे पेड़ में टकरा गया. ओ भाई जितना देर उड़ूंगा ना उतना पैसा मिलता है ना मेरे को, तो मेरे को पूरा फोकस करना चाहिए गाइस उड़ने पे. पैसे वैसे तो कमा ही लेंगे, कौन सी बड़ी चीज है इसमें. और इसको नीचे ले चलो, फिर ऊपर. नहीं, पैसे दे के जा. अबे थोड़ा सा और आगे चल जाता बूस्टर, पैसे दोनों इंतजार कर रहे थे भाई. ओके कितना मिला इस बार? आई एम रेडी श्योर इस बार मैं और टोटल ऑफ 30 सेकंड्स के लिए था आसमान में. अरे बड़ा कम समय के लिए था यार, थोड़ा और ज्यादा देर रह लेता. ऑलराइट इस बार किस डायरेक्शन में जाएगा गाइस? उधर मेरे को मजा नहीं आ रहा है. हाँ इधर चलते, इधर बढ़िया लग रहा है बिड़ू.
अरे मजा आ गया गाइस, ये वाली फीलिंग भाई क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को, ये जो हुई हुई वाली फीलिंग, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बज गया। ओके, ज्यादा नीचे नहीं ज्यादा ऊपर भी नहीं, दोनों को बैलेंस करके ले चलना पड़ेगा। यार मेरा फ्लाइट टाइम भाई मैंने 50 सेकंड्स कैसे लिया था, मैं खुद सोच रहा हूँ। पहले अटेम्प्ट में भाई बड़ा अच्छा उड़ गया यार हम लोग, अभी तो उड़ ही नहीं पा रहा मैं उतना अच्छा गाइज। कितनी भी कोशिश कर लूं, मैक्स टू मैक्स में जो पीक जा पाया हूं ना वो 35 ही सेकंड्स था। मैं जब से इस बूस्टर पे फोकस करना स्टार्ट किया ना मैंने, अच्छा रुको अब ऊपर नीचे करूंगा ही नहीं, अब से मेरा एक ही गोल है अपने फ्लाइट को ना अपन लोग लिटरली एक जगह ऐसे छोड़ देने वाले एंड देखते हैं कितना डिस्टेंस मैं कवर कर पाऊंगा। ठीक है गाइज, ये एकदम नो मूविंग स्ट्रेटजी यूज करने वाला हूं मैं, क्लियरली काफी बढ़िया स्ट्रेटजी क्योंकि आप देख सकते हो भाई, अबे ये बंदा पहना क्या है, ओ इसने अपने आप को चिपका लिया है भाई, काइंड ऑफ ऐसे समझो गाइज, ये जो ग्लाइडर है ना ये हम लोग के ऊपर चिपक चुका है। ओह मैं तो बहुत मस्त उड़ रहा हूं यार, ये ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूं भाई, एकदम मस्त आसमान में उड़ते चले जा रहे हैं। हम लोग की स्पीड जो है वो काफी स्टेबल है एट 51 किलोमीटर पर आवर, एक लिटरली कुछ मूव करने का भी जरूरत नहीं है। अगर मैं उस कैसल तक चला जाऊं तब तो डेफिनेटली बहुत पैसे बना लूंगा मैं। चलो भाई अब अगला गोल यही है कि इसको मूव नहीं करेंगे एंड लेट्स सी क्या ये मैं उस कैसल तक जा पाऊंगा। और अगला वाला वर्ल्ड भी मेरे को दिखाई दे रहा है, वो जो है ना गाइस सामने वो अगला वाला वर्ल्ड है, तो हम लोग को ज्यादा मूव नहीं करने, ऑल्टीट्यूड खो दूंगा मैं। भाई बहुत अच्छा उड़ रहा हूं गाइस मैं, सीरियसली बता रहा हूं, द बेस्ट स्ट्रेटजी इज कि आपको ऐसे कुछ करने की जरूरत है, बस हवा में चले जाओ एंड देन कीप गोइंग एंड लिटरली डोंट स्टॉप। अगर आप टॉप करोगे ऊपर जाओगे नीचे जाओगे दिक्कत आप ही को होने वाली है, आपकी स्पीड डिक्रीज होने वाली है एंड यू गोना फॉल। ठीक है तो देखो 25% मेरे को बूस्ट मिल गया, आराम से चलेंगे। अभी मेरे को एक और बूस्ट दिख रहा है, सो लेट मी जस्ट ग्रैब दैट, आई डोंट नो इफ इट्स गोना बी वर्थ इट और नॉट। ओके मिल गया मेरे को एक और ज्यादा लालच नहीं बट एक और। ओके एंड यहां पर यप लालच कर ही दिया मैंने आखिर में, भाई स्पीड जो है बहुत तेजी से नीचे गिर रही है मेरी, क्या बच पाऊंगा मैं? ओह माय गॉड आखिरी में क्रैश कर ही गया, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि हम लोग कैसल तक जा सकते हैं गाइस। इतनी देर था मैं इस बार आसमान में फॉर अ टोटल ऑफ 90 seconds, लुक एट दैट, यही तो जलवा है दोस्तों। ऑलराइट अब देखने तो मेरे को कैसल किस तरफ है, ओके कैसल इस तरफ है तो ये वाला तो मैं अभी ही ले सकता हूं। ऑलराइट लेट मी शूट इट, ठीक है थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, पुल बैक करेंगे आराम से अंदर एंटर करके एंड बूम $600 इंस्टेंट मनी मिल गया। अब अगले कैसल की तरफ एम करना है, सेम चीज रिपीट करनी है। ओ वेट मेरे को कुछ मिला है, कैनन अपग्रेड कर सकता हूं मैं। ओके लेट्स अपग्रेड आवर कैनन्स, लेजर कैनन है इसके बाद वाला पता नहीं क्या है, सो लेट मी अपग्रेड इट। ओके अगला वाला फाइन कैनन है फॉर अ टोटल ऑफ $17,500, बहुत ज्यादा है। न्यू अपग्रेड्स इन द कैनन स्टोर, भाई मैंने कल लिया अपग्रेड, टेंशन ना लो तुम। ऑलराइट गाइस हम लोगों को ये कैसल का पैसा मिल गया, 5 मिनट तक मैं इसको वापस क्लेम नहीं कर सकता हूं, तो लेट मी फोकस माय एनर्जी टुवर्ड्स अनदर कैसल जो कि उधर दिख रहा है मेरे को। ऑलराइट स्पीड सेंट्रिक थोड़ा लॉन्च करने वाला हूं मैं, हुई और ये बूस्टर भी मिल गया, लुक एट दैट। अब मैं इसको लाइक एकदम छोड़ दूंगा, एक न्यूट्रल स्पीड पे छोड़ने वाला हूं मैं, लेट्स गो। और गाइस लगता है ये वाला कैसल भी अपन लोग टच कर जाएंगे, गिव इट टू मी दैट स्वीट स्वीट मनी, भाई ये मनी चाहिए अपने को भाई, हनी जल्दी 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 एंड सीधा अंदर $800, परफेक्ट। और भाई देखो कहां आ गया मेरे को, दूसरा वर्ल्ड दिख रहा है भाई, ये तो सिटी है पूरी, जल्दी चलो ब्रो। अरे जल्दी क्या चलो भाई, मेरे हाथ में थोड़ी है, जब गेम वाले भेजेंगे तभी तो जा पाएंगे, पहले सारे अपग्रेड्स खरीदने पड़ेंगे ब्रो, और हम लोगों से इतना किया नहीं जा रहा है, बताओ तुम सिटी में गाड़ी चलाओगे हैं? ऑलराइट गाइस आई थिंक यहां पर से मेरे को एम कर देना चाहिए, लेट्स लॉन्च आवरसेल्व्स इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर एंड कुछ नहीं करने की जरूरत है, ना ऊपर खींचना है ना नीचे खींचना है, बस एक स्टेबल ऑल्टीट्यूड पे आपको छोड़ देना है एंड बाकी काम ये ग्लाइडर खुद कर लेगा। देव योर सज्जनो जस्ट लुक एट इट, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल क्लाउड्स भाई, एनिमेटेड क्लाउड्स यहां पर दिख रहे हैं मेरे को। दो कैसल थे एक उधर एंड एक इधर, दोनों ही हम लोगों ने पैसे क्लेम कर लिए भाई दोनों के अंदर से, तो सैडली अब कहीं जाने के लिए बचा नहीं है। बट एक चीज तो, अबे मैं नीचे जा रहा हूं क्या, वेट अ मिनट, मैं लग रहा है हल्का सा नीचे जा रहा हूं, थोड़ा सा पुल बैक करते हैं। हाँ अब ठीक है, ज्यादा पुल बैक तो नहीं कर दिया मैंने, स्पीड पे मेरे को थोड़ा नजर देना पड़ेगा गाइज, क्योंकि अगर क्लियरली आप लोग ज्यादा नीचे जाने लग जाओगे इसका मतलब आपने ज्यादा पुल बैक कर दिया है, अगर आप परफेक्ट एंगल पे मास्टर करोगे तो दिक्कत हो ही नहीं सकती है। और भाई मेरे को देखो कितना स्पीड जा रहा हूं, अरे मैं तो उतनी देर से बूस्ट यूज ही नहीं कर रहा था, देखो मेरे पास बूस्ट भी है गाइज, ये बूस्ट तो और थोड़ी देर के लिए अपने को उड़ा देगा हवा में। वो क्या है उधर, कुछ तो है, वेट डोंट टेल मी दैट इज द नेक्स्ट लोकेशन वी कैन मूव ऑन टू, भाई वो ग्रैंड कैनियन जैसी चीज है, उसमें कहां से उड़ेंगे भाई लोग, उसके लिए तो प्रिसिशन चाहिए भाई बंदों को, आई थिंक इसीलिए लोग वहां जाते हैं क्या। रुक जाओ आराम से थोड़ा धीरे धीरे, ये बूस्ट का इस्तेमाल भी भाई हम लोगों को अच्छे से करना पड़ेगा, अगली बार से जब मैं स्टेबली उड़ूंगा ना मैं बूस्ट थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करूंगा ताकि हम लोग प्रोपेल हो सके। इसके अंदर से निकला स्पीड बढ़ गई भाई, मेरे को पता नहीं था, अभी ये तो ग्रैंड कैनियन नहीं है तो आइस वाला एरिया लग रहा है भाई, मैं इसको ग्रैंड कैनियन बोल रहा था। बताओ गाइस इतनी दूर आ गए, बताओ दूसरे वर्ल्ड में एंटर ही कर गया मैं, इतना ज्यादा दूर उड़ चुका हूं। ओह माय गुडनेस प्लीज डोंट टेल मी आई एम गोना क्रैश, यप अपन लोग नहीं जा सकते गाइस, इसके ऊपर जाने के लिए हमारे पास ऑल्टीट्यूड ही नहीं है, लाइक किसी भी एंगल में मैं देखो मेरे पास ऑल्टीट्यूड ही नहीं है भाई ऊपर जाने के लिए, एंड जितना मैं पुल बैक कर रहा हूं ना लग रहा है मैं यहां से भी गिरने ही वाला हूं। प्लीज टेल मी कि मैं सेफली अपने लैंड पे वापस जा सकता हूं, यस वी कैन डू दैट, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड थोड़ा आराम से भाई उसके अंदर चला जा एकदम परफेक्ट, मजा आ जाएगा भाई, स्पीड भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं जा पाएगा गाइस, ज्यादा पुल बैक कर दिया मैंने। ओह शिट
वी हैड टू फॉल. वो नहीं, वो अभी भी थोड़ा बचा हुआ है क्या जिंदगी, थोड़ा सा बचा हुआ था लाइक 3-4 सेकंड भर की. भाई इस बार तो बहुत उड़ाऊ मैं. व्हाट भाई कितना आया स्टैट्स बताओ. भाई स्टैट्स निकल के आया 121 सेकंड. भाई सब 2 मिनट के लिए आसमान में था मैं. गाइज सोच रहा हूँ 2 मिनट के लिए पैसे बनाया भाई 1552. चलो गाइज लॉन्च करते हैं फिर से. एंड यहाँ पर स्टेबल रहना है मेरे को, कुछ लालच वालच वाला काम नहीं करना है. होपफुली मैं इसके बीच से चला जाऊँ, नहीं गया तो थोड़ा बूस्टर यूज कर लेंगे बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट. सो या ऑलराइट, अभी के लिए मैं बिल्कुल यूज नहीं करने वाला, अभी बिल्कुल वर्थ इट नहीं होने वाला है, मैक्सिमम गेन्स लेने. ओके थोड़ा सा बूस्टर यूज किया मैंने. ऑलराइट ये भी हो गया. ओ एक और कैसल दिख रहा है मेरे को. कैसल पे अभी ढावा बोले कि बाद में बोलेंगे. अच्छा रुक जाओ, पहले मेरे को ना ये बूस्टर ले लेने दो, उसके बाद देखते हैं. गाइज अभी मेरे पास बहुत एनर्जी, अभी मैं अपना वाला बूस्टर नहीं यूज करने वाला हूँ. वो वी मेड इट टू द कैसल. ग्राइंड कर दू कर दू कर दू कर दू. नहीं अभी नहीं, रुक जाओ. वो मिल गया पैसा ग्राइंड का, मतलब उस पर घुसाने की जरूरत नहीं थी भाई, वो तो ऐसे भी दे रहे थे. ओके इसके अंदर से जा पाऊंगा क्या लगता है. गाइज इनफिनाइट टाइम के लिए उड़ सकते हैं भाई. हम लोगों ने एक्चुअली में पता है हैक निकाल दिया भाई, कैसे इस गेम को अच्छे से खेलना है. थोड़ा सा बूस्टर लेने का, उसको छोड़ देने का, फिर आपको अपना मस्त उड़ना है आसमान में. ऑल्टीट्यूड ज्यादा लूज नहीं करनी है, ऑल्टीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज. और उसके बाद यहाँ पर फिर से थोड़ा सा नीचे जाएंगे एंड पुल अप. ज्यादा पुल अप नहीं करना है भाई. स्पीड देखो कितनी तगड़ी मिली है वहां से. लाइक एक्चुअली में 120 miles per hour पे आ गया भाई. इस बार तो मेरे को लग रहा है मैं 3-4 मिनट तक आसमान में रह जाऊंगा ब्रो. व्हाट भाई अच्छी बात है. आप जेम्स उठा रहे हो कि नहीं उठा रहे हो. जेम्स वेम्स का फंडा नहीं पता भाई मेरे को, तेरे को पता है तू उठा ले. मेरी स्पीड थोड़ी डिक्रीज हो रही है, थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे इसको प्रोवाइड करेंगे. होपफुली मेरे को ज्यादा ना देना पड़े बिकॉज मैं इसके अंदर बिना स्पीड लिए जाना चाहता हूँ, अपना बूस्टर यूज किए बिना. ऑलराइट इसको यहाँ पे इसमें घुसाएंगे एंड लुक एट दैट, एक और सर्कल मेरे बिल्कुल सामने है गाइज. होपफुली हम लोग उसके अंदर भी जा पाए एकदम परफेक्ट. मैंने देखो कितना कम बूस्टर यूज किया है अभी तक गाइज, इसी से अंदाजा लगा लो कि भाई हम लोग कितना दूर तक अभी उड़ने वाले हैं. अभी ये इंसान कौन है, बहुत तगड़ा उड़ रहा है भाई. ऑलराइट ये रहा एक और सर्कल, इसके अंदर भी एंटर करेंगे. उसके बाद एक और सर्कल दिखाई दे रहा है मेरे को. डूड आई कैन कीप ऑन फ्लाइंग फॉर लाइक 5 to 10 minutes भाई. इट्स ऑल अबाउट स्किल गाइज. अगर आप लोगों के पास स्किल नहीं है तो फिर आप तो हारोगे. वो एक और कैसल दिख गया भाई. कितने पैसे मिलने वाले हैं मेरे को इस बार यार. इस बार तो वी आर एब्सोल्युटली फार्मिंग मनी गाइज. ऑलराइट अगर मैं इस नीचे वाले से निकलूं या ऊपर. ओ नहीं नीचे नहीं जाना सही रहेगा गाइज. अभी के लिए कैसल के पास से जाते हैं. ज्यादा बेटर रहेगा कि कैसल के पास से जाए और उस वाले सर्कल में अपन लोग एंटर कर जाए. मेरी स्पीड भी सही दिखाई दे रही है, पैसे भी मिल गए बिना क्रैश किए हुए. एंड लुक एट दैट, कौन बोलता है भाई, दो ही कैसल थे, इतने सारे कैसल थे भाई. व्हाट भाई सही है, मेरे को देखो मेरे को भी एक कैसल मिला. दोनों पैसे कमाएंगे, अरे एकदम कमाएंगे भाई. ओ ओ शिट बच गया मैं थोड़ा. अरे मेरे पास अब ज्यादा बूस्ट नहीं बचा है गाइस. आई नीड टू बी वेरी केयरफुल विद हाउ आई यूज माय बूस्ट राइट नाउ. ठीक है होपफुली एकदम परफेक्ट समय में मेरे को ऑल्टीट्यूड ना खोना पड़ेगा. निकाल. यस हो गया. क्या लगता है उस तक पहुंच पाऊंगा मैं. ज्यादा पुल बैक नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं तो पहुंच ही नहीं पाया तो दिक्कत हो जाएगी. पर यप शिट दिक्कत होगी गाइस, दिक्कत होगी. थोड़ा सा बूस्टर अपना यूज कर लेता हूं मैं. ओके चलो हो गया, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई. थैंक गॉड वी हैव मेड हिस्ट्री लेडीज एंड जेंटलमैन. आई एम 100% श्योर इस बार मैंने रिकॉर्ड टाइमिंग बना दी भाई. इतनी ज्यादा देर तक मैं उड़ा ही नहीं हूं अभी तक. लाइक ये 3 मिनट पार कर चुका होगा अभी तक मार्क. आप लोग यार अगर देख रहे हो तो डेफिनेटली बताना आपको क्या लगता है इस बार कितनी देर से उड़ रहा था मैं. बट भाई क्या ही पैसे, उसमें तो 2 अपन लोग ने कैसल भी क्लियर किया है, तो सोचो भाई डबल फायदा बोलते हैं गाइस. ओ बेबी ऑलराइट एक और रिंग दिख रहा है मेरे को भाई. इन लोगों ने रिंग की प्लेसमेंट इतनी सही की है ना, एक रिंग से दूसरे रिंग आराम से जा सकते हो आप लोग. ऊपर से जो स्पीड बूस्ट प्रोवाइड करते वो भी इनसेन है भाई. अभी थोड़ा सा नीचे पुल करते, ज्यादा नहीं. इट्स ऑल अबाउट एस्टिमेट कि आप कितना सही से अपनी एनर्जी को बिना वेस्ट किए ग्लाइड कर सकते हो. ग्लाइडिंग इज अ स्किल गाइज. अगर आपको समझ में आ गई ना तो भाई आपसे बेटर ग्लाइडर कोई नहीं है. ये देखो यहाँ पे मैंने 25% बूस्ट लिया, थोड़ा सा पुल बैक ज्यादा कर दिया. लेट्स होप कि मैं इस तक पहुंच जाऊँ. प्लीज पहुंच जाओ. मेरे को बूस्टर मिल गया. लेट्स गो. अच्छा ये बूस्टर देते हैं क्या, ये पता नहीं था यार मेरे को गाइज. ये देखो इसको लेंगे तो देखो बूस्टर रिचार्ज होता है. ये देखो 25% बूस्टर रिचार्ज हो गया. देखा ये फायदा है इसका, वही मैं सोच रहा हूँ उतनी देर से क्या फायदा. ये देखो अभी 50% बूस्टर रिचार्ज हो गया भाई. मैं तो इन्फिनिटी के लिए उड़ सकता हूँ. मैं अगली वीडियो में ना गाइज क्या करेंगे ना, आप लोग हमेशा के लिए उड़ते ही रहेंगे. 10-12 मिनट 15 मिनट नीचे ही आने वाला भाई मैं. ये देखो मैं तो इन्फिनाइट हो गया भाई, मैं कितनी भी देर उड़ सकता हूँ. लाइक सीरियसली देखो यहाँ पे स्पीड कम पड़ी, थोड़ा सा बूस्टर मारा, कोई बात नहीं ब्रो. अपन लोग आराम से अभी इस सर्कल के अंदर जाएंगे. देखो सर्कल खुद नीचे आ रहा है. नहीं पहुंच पाएंगे कोई दिक्कत नहीं, बूस्ट मारो, जस्ट गो थ्रू इट, मेक श्योर कि तुम किसी तरह से अंदर घुस जाओ. एंड जब मोमेंटम मिली है थोड़ा सा नीचे जाने का, वो बूस्टर दिख रहा है आप लोगों को एकदम खूबसूरती के साथ इसको पिकअप करने का. एंड यहाँ पर एक और बूस्टर ले लेंगे, उसके बाद एक और ले लेंगे. टोटल 75% बूस्ट हो गया. इधर से जाओ भाई साहब, थोड़ा सा और बूस्ट यूज करेंगे. स्पीड कम पड़ रही है गाइज. सर्कल के अंदर से होते हुए निकलेंगे एक और बूस्टर पकड़ते हुए. एंड भाई मेरे को लगा था कि मैं कब का खत्म हो जाऊंगा, बट भाई कुछ खत्म नहीं होने वाला, इन्फिनिटी तक ले जा सकते हो. आप जितना चाहो
तो ना उड़ो भाई। मैंने तो भाई चीट कोड निकाल दिया गाइज, लिटरली बता रहा हूँ। घंटों उड़ सकता है यार कोई भी इंसान यहाँ पे। ओ माय गॉड, लाइक अगर आप मेसअप ना करो ना, सीरियसली बता रहा हूँ। थॉट भाई मैंने मेसअप कर दिया, चलो कोई बात नहीं अपग्रेड कर लूंगा ब्रो। भाई मैं कितनी देर से उड़ रहा हूँ सीरियसली गाइज, अब तो मेरे को लगता है खुद ही से लेट गो करना पड़ेगा, ये तो भाई पूरी वीडियो पता है 2-3 घंटे की बन जाएगी। मेरे को टैक्टिक्स पता चल गए गाइज, जैसे देखो अभी स्पीड थी अपने पे राइट, मैं यहाँ पे आया बूस्टर ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अपना स्पीड को थोड़ा कम करेंगे बिकॉज हम लोग को यहाँ इसके अंदर एंटर करना है। बिल्कुल बूस्टर यूज करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, इट्स ऑन यू। यहाँ पर एक और बूस्टर पिकअप करते हुए निकल जाओ एंड ऊपर जाओ, थोड़ा सा बूस्टर यूज करो एंड ऑल्टीट्यूड मेंटेन करो, दैट्स इट। जब तक तुम अगले सर्कल पे ना पहुंच जाओ, अगले सर्कल से निकलते टाइम मेक श्योर करना कि बूस्टर लेके निकलो। जैसे मेरे को यहाँ पे अभी बूस्टर दिख रहा है, इस बूस्टर को पिकअप करेंगे, जेट पैक आई मीन हम लोगों का जो पीछे वाला बूस्टर वो रिचार्ज हो गया। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा यूज करके ऊपर जाएंगे, एक्स्ट्रा स्पीड का फायदा उठाएंगे, जूम करेंगे, यहाँ पर एक और बूस्टर दिखाई दे रहा है इसको पिकअप करेंगे, फिर एक और बूस्टर दिख रहा है उसको पिकअप करेंगे, बूस्ट को फिर मारेंगे, फिर एक और बूस्टर पिकअप करेंगे। भाई हो गया गाइज, अब मैं एक्चुअली में गिव अप कर रहा हूँ भाई। ओ नहीं शिट, गलत टाइम पे गिव अप कर दिया मैंने, यहाँ पे कैसल है, रुको कैसल पे भाई मार के गिव अप करेंगे, ऐसे थोड़ी भाई, ऐसे थोड़ी। ओ नहीं मैंने थोड़ा जल्दी टकरा दिया, चलो कोई बात नहीं। कितने पैसे मिले आइए देखते हैं, बहुत ज्यादा देर उड़ गया मैं। ओ माय गॉड 358 सेकंड्स, आर यू किडिंग मी भाई, मैं 5 मिनट से ज्यादा आसमान में था। मेरा मन था तब उतरूं मैं, नहीं तो मैं उतरने वाला भी नहीं था गाइज। ऑलराइट बूस्टर अपग्रेड करने का ऑप्शन आ गया, मैं $16,000 बना दिए मैंने भाई, 16,000। अरे मैं तो बूस्टर अपग्रेड अभी अपना विंग ये जेट ग्लाइडर अपग्रेड करूंगा भाई। ऑलराइट गाइज, हम लोगों के पास आई थिंक अपना लेटेस्ट वाला कहां गया, ड्रैगन फ्लाई है, रोटो ग्लाइडर है, जेट ग्लाइडर, या बेबी यही तो चाहिए था दोस्तों। लुक एट दैट, व्हाट भाई मेरे पास भी यही वाला ग्लाइडर है ब्रो, नाइस, ये बढ़िया चीज है गाइज। खैर हटाओ इसको, अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना, आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वन, लाइक मार दो, सब्सक्राइब मार दो, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी।